मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ओर जहां सीएम राइस स्कूल खोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की जिंदगियां सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला रीवा जिले के हरमना तहसील अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पतुलखी में देखने को मिला है, जहां पर विद्यालय की रेलिंग टूटने से कुछ बच्चों को चोट आ गई है। वहीं जब बच्चों को चोटें आई तो विद्यालय के शिक्षक विद्यालय में ही बैठे हुए थे। आनन फानन में कुछ बच्चों के द्वारा परिजन को जानकारी दी गई और जब परिजन विद्यालय पहुंचे तो बच्चों का इलाज करवाया गया। पतुलखी में विद्यालय प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। ऐसी लापरवाहियों के कारण आए दिन बड़ी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। हालांकि इस संबंध में जब हनुमना SDM से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल की रेलिंग नहीं टूटी हुई थी, बच्चे खेल रहे थे, इसी दौरान उन्हें चोट आ गई थी। वह आगे की जाँच करवाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जबकि बच्चों के द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि रेलिंग टूटने की वजह से ऐसी घटना घटित हुई है। क्या नाम है आपका? साहिल अंसारी। मेरी से बात है, यहीं पर मेरे ऊपर गिर गया, चोट लग गई है यहाँ पे। काफी चोटें लगी हैं आपको। कौन सी स्कूल है? शासकीय हाई स्कूल पतुलखी। प्राचार्य का क्या नाम है आपके? मेरे सर का श्रीनिवास। इसके बारे में प्रारंभिक जांच में हमको जो पता मिला है कि कोई रेलिंग नहीं गिरी है, कोई बच्चा और रेलिंग पर चढ़ करके वहाँ पे कूदा है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी पीठ के कमर के पास जो है तो कुछ लड़ गया है, और किसी रेलिंग की गिरने की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, आप जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं वहाँ तो आज भी विद्यालय में प्राचार्य थे और बच्चे भी थे वहाँ, उन्होंने बताया कि ये जो घटना बता रहे हैं कि प्राथमिक के बच्चे भी वहीं पार्क में थे, तो इसकी हम और जांच करा लेंगे कि जो आप जिस कमरे की बात कर रहे हैं वो क्या कक्षा के रूप में कक्षाएं वहाँ संचालित होती है अथवा वो अटेंडेंट मिलेगा, इसकी हम जांच करा लेंगे। धन्यवाद।